तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि हमें कल देखने को रो मिलने वाली है, वो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं उस रो का प्रीव्यू देने वाला हूँ, और अगर आपको कल की रो देखनी है तो ये वाली वीडियो बिल्कुल मत मिस करना, बिकॉज ये वीडियो जो कि कम्प्लीटली कनेक्ट करने वाली है पिछली वाली रो को ये वाली रो के साथ। और मैं आपको बताता हूँ कल की रो पे जो जो होने वाला है वो हमें ऑलरेडी पता है, ये ना हो आपके दोस्तों को आपसे ज़्यादा पता लग जाए और कल के रो में आपको पता ना लगे। तो वीडियो तक एंड तक देखना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूँ हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले बैरन कॉर्बिन का जो कि डोमिनेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। अब जो कि है बैरन कॉर्बिन यहाँ पर हैं हमारे रो जनरल मैनेजर जो कि हैं, अब जैसे भी हैं उनका कंटिन्यूटी में जैसे बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के साथ मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं रो के ऊपर। तो ये सब चीज़ जो कि अभी हमें कंटिन्यूटी में देखने को मिलने वाली है ये वाली रो के ऊपर, देखते हैं कैसे। हालांकि पिछली रो काफ़ी ज़्यादा WWE के लिए फ्लॉप रही थी, अगर मैं बात करूँ काफ़ी बढ़िया रो थी बट वो किसी को भी पसंद में नहीं आया। अब देखते हैं WWE क्या करती है, कंटिन्यू अभी क्लोज कॉल जाती है या फिर WWE से कंटिन्यू रखती है और फाइनली वर्क ऑफ करके कुछ अच्छा WWE लेकर आती है, या फिर वही बोरिंग जो हमें लास्ट वीक देखने को मिला था वही मिलता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कि है हमें नया जैक्स और तमीना जो कि उनको एक ओपोनेंट मिल चुका है, वो जो कि रोंडा रोजी और उनके साथ टीम अप कर रही है उनकी पुरानी फ्रेंड नेटालिया। अब ये जो कि इनका भी मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, जैसे कि हमें पता प्रीवियसली जो कि नया जैक्स हैं और तमीना है वो दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पागल बना रही है रोंडा रोजी का, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। जैसे कि प्रीवियसली शार्लेट ने रोंडा रोजी को काफ़ी बुरे तरीके से मारा सर्वाइवर सीरीज के ऊपर, जिसका कि वो मजाक बना रही हैं काफ़ी इन द सेंस, जिस वजह से कि रोंडा रोजी काफ़ी अंदर तक टूट चुकी है अगर मैं कहूँ। बट अब जो कि है उनकी बेस्ट फ्रेंड नेटालिया उनके साथ है और ये मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। वहीं मैं बात करूँ तो जो कि हमारे रो की वुमेंस डिवीजन है उसकी एक इंचार्ज बन चुकी है, वो कौन है इंचार्ज, मतलब ऑफिशियल नहीं है बट हमारे रो के जनरल मैनेजर यानी कि बैरन कॉर्बिन ने बना दिया उन्हें इंचार्ज, एलेक्सा ब्लिस को रो के ऊपर नजर रखेंगे। अब वो देखते हैं बाकी वो कैसी करती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ जो कि हमें देखने को मिलने वाली है कल की रो के ऊपर कि डीन एम्ब्रोस जो कि वापस आने वाले हैं, जैसे कि डीन एम्ब्रोस ने लास्ट वीक प्रॉमिस किया था कि अगले वाली रो के ऊपर वो हमें देखने को मिलेंगे। अब पता नहीं वो सेथ रॉलिंस को फेस करते हैं या फिर कोई और चैलेंज उन्हें मिलता है, जैसे कि सेथ रॉलिंस ने अभी रिसेंटली फेस किया है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। अब जो भी है जहाँ तक मुझे लगता है सेथ रॉलिंस भी कल की रो पर होने वाले, तो इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, यहाँ तो वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मैं जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूँ अरमन।